केन्दुझर धरणीधर कलेज जिला विश्वविद्यालय एने घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एने एक वीडियो जारी करिछंती तेबे डीडी कलेज को विश्वविद्यालय रे परिणत करिबा नै उच्चशिक्षा विभाग विज्ञप्ति जारी होईछि। आसंता काली केन्दुझर गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गस्त पूर्वरु से एही बड़ घोषणा करिछंती धरणीधर कलेज को विश्वविद्यालय घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री एक वीडियो जारी करि एबले एक विज्ञप्ति प्रकाश करा जाइछि। तेबे आसंता काली मुख्यमंत्री जिते केन्दुझर गस्तर जी किंतु ता पूर्वर एक बड़ घोषणा कर उच्चशिक्षा विभाग इने एक विज्ञप्ति जारी कर डीडी कॉलेज को विश्वविद्यालय परिणत करने नहीं उच्चशिक्षा विभाग यह विज्ञप्ति जारी कर आसंता काली केन्दुझर गस्तर जी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तेज गस्त पूर्व एक बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री धरणीधर कॉलेज को विश्वविद्यालय घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक वीडियो जारी करिछंती मुख्यमंत्री तेब आसंता काली मुख्यमंत्री केन्दुझर गस्त रहउछि एहा पूर्वरु एक बड़ घोषणा करिछंती बा गोटे बड़ भेटी केन्दुझर वासी को देइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। खुशी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रतिनिधि जितेंद्र पटनायक जोड़ी आम सहित जितेंद्र मुख्यमंत्री केन्दुझर गस्त पूर्व एक बड़ घोषणा से धरणीधर कॉलेज को विश्वविद्यालय घोषणा कर संपर्क तो केन्दुझर धरणीधर कॉलेज विश्वविद्यालय कॉलेज होने घोषणा कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गोटे वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री डीडी कॉलेज को विश्वविद्यालय परिणत करने नहीं उच्चशिक्षा विभाग एक विज्ञप्ति जारी करम प्रतिनिधि जितेन्द्र जोड़ जितेन्द्र मुख्यमंत्री गस्त पूर्व विश्वविद्यालय घोषणा करणीधर कॉलेज को कौन कहे संपर्क में निहाती भाव लिपि देखु निहाती गोटे केन्दुझरवासी गोटे खुशी खबर कि धरणीधर महाविद्यालय जे कि केन्दुझर गोटे सर्वपुरतन महाविद्यालय जहाँ ओडिशार एक सर्वपुरतन महाविद्यालय यह प्रथम धरणीधर महाविद्यालय था पर यह स्वयं छात्र महाविद्यालय था किसी दिन पूर्व जिते बारिपदा एमसीसी महाराज पूर्णचंद्र महाविद्यालय घोषणा होता विश्वविद्यालय घोषणा होता से केन्दुझरवासी मन में निराशा खेली जाता कि बारिपदा को विश्वविद्यालय देले किंतु केन्दुझर को देले फल सरकार केन्दुझर गोटे तार द्वितीय कैंपस करते कि बर्तमान जहां सरकार घोषणा कर द्वितीय कैंपस बर्तमान रूपांतर संपूर्ण रूपांतरित केन्दुझर धरणीधर विश्वविद्यालय को केन्दुझर धरणीधर विश्वविद्यालय एवं धरणीधर महाविद्यालय विश्वविद्यालय मान्यता पाई एवं आसंता काली आमर केन्दुझर गस्त अच्छी मुख्यमंत्री जहां केन्दुझर मुख्य मुख्यमंत्री गस्त सूचना अनुसार जहां रही जहाँ प्रशासन आमको सूचना देखते कि आसंता काली धरणीधर विश्वविद्यालय एवं जो केन्दुझर बहु प्रतीक्षित जो बहुत दिन केन्दुझर वासी गोटे दाबी था केन्दुझर एक मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज करने धरणीधर मेडिकल कॉलेज यही दुईटी को मुख्यमंत्री जनसाधारण लोकार्पित करे यह सहित अन्यान्य बहु किसी प्रकल्प अच्छी लोकार्पित करे किसी नूतन प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करे तेणु आसंता काली मुख्यमंत्री गस्त पर विधिवत भाव केन्दुझर धरणीधर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज जदिबा मेडिकल कॉलेज रे बर्तमान चलित शिक्षा वर्ष पाठ पढ़ा आरंभ हो जाए किंतु विधिवत भाव यह मान्यता पाई विश्वविद्यालय मान्यता पाया धरणीधर महाविद्यालय विश्वविद्यालय मान्यता पाया सहित केन्दुझर एक मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज पाव जहाँ कि जिलावासी मन में खुशी देखाई लिपि निहित रूप जिलावासी मध्य गोटे खुशी देखाई जहाँ आप सूचना देते जितेन्द्र तेबे ए धरणीधर कॉलेज को विश्वविद्यालय रे परिणत करबा पई जो केन्दुझर वासी दाबी को आखि आगे रखी मुख्यमंत्री जिते गोटे बड़ घोषणा करते प्रतिक्रिया कौन रोचे आम बर्तमान कॉलेज कैंपस अच्छा कॉलेज कैंपस पिला आलोचना करूँ विशेषकर छात्र छात्री मैंने बहुत खुशी अच्छा कि एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय मिलला एवं आगुरी जो पाठ पढ़ू केन्दुझर धरणीधर स्वयं शासित महाविद्यालय
ତାଙ୍କୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯେଉଁ ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁ ବାରିପଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ରହୁନଥିଲା, ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ବାରିପଦାରେ ରହୁଥିଲା, ଫଳରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ଖାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି କି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିପାରିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଆସୁଥିଲା ଏହି କଲେଜଟିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ସରକାର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଧରଣୀଧର କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।